हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यार, मेरा नाम है अमनदीप तिवारी, मैं हूँ फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट देवन मेहता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो यार, आज हम आपको करवाने वाले हैं देवन मेहता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल टूर। तो दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे और कैसे रूम है, क्या क्या फैसिलिटी है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग अभी हॉस्टल के बाहर खड़े हैं। देख सकते हैं ये बाहर का व्यू है बॉयज़ हॉस्टल का। देख सकते हैं वहाँ पे एक सीनियर हेलो कर रहे हैं। तो ये बॉयज़ हॉस्टल का है। और इधर देख सकते हैं एक तालाब है और यहाँ पे पीछे में बैडमिंटन कोर्ट है इस साइड में। तो आइए आगे दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। आजा इधर आजा, अबे तुम आओ ना, तुम आ रहे हो नहीं। वहाँ पे पार्किंग है दो जगह, तो आप पार्किंग भी लगा सकते हैं। बाइक यहाँ पे लगाने के लिए स्पेस है, तो अगर यहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे भी देख सकते हैं, आप बाइक लगा सकते हैं। बाकी आइए देखते हैं हॉस्टल के अंदर में क्या है। तो ये है एंट्रेंस हॉस्टल का। देखिए आगे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं केयर टेकर रूम है। मतलब जब भी कोई बाहर जाता है तो उसको यहाँ पे एंट्री करके जाना होता है, ताकि कोई आपका रिस्पॉन्सिबल हो, आप लेके जाए। इधर हम आपको दिखाते हैं हॉस्टल का मेस है। तो यहाँ पे मेस है और रिक्रिएशन रूम भी यहाँ पे है, जहाँ पे आप टीवी भी देख सकते हैं। ये मेस है, आप देख सकते हैं, यहीं पे हम लोग खाना खाते हैं। बॉयज़ हॉस्टल है तो यहाँ पे ये मेस है। और उधर जो है पेंट्री है, जहाँ पे खाना बनता है और कोल्ड ड्रिंक सब कुछ यहाँ पे मिलता है शाम को। बाकी अगर आपको मेस का डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मेस का वीडियो। अगर 10-15 होगा कमेंट तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा क्या क्या ये है, क्या क्या मिलता है खाने में और क्या क्या करते हैं। तो ये है मेस। और इधर आपको अब दिखाते हैं रिक्रिएशन रूम। एक्चुअली काफ़ी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मगर मेनली यहाँ पे कोई अगर इम्पॉर्टेंट मीटिंग होता है कॉलेज का, हॉस्टल का जो भी है, तो वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। और बाकी यहाँ पे टीवी लगा है, कोई भी आए चाहे तो टीवी देख सकता है। सब लोग बैठ के यहाँ पे ये टेबल लगा है, इस पे बैठ सकते हैं। और ये इसमें फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो ले सकता है। यहाँ पे क्रिकेट खेलने का भी सारा सामान रहता है। अभी तो बाहर मेरे ख्याल से खेलने के लिए कोई खेल के बाहर छोड़ दिया हुआ है। बाकी आइए आगे आपको दिखाते हैं और क्या क्या है हॉस्टल में। हॉस्टल में 2 साइड से सीढ़ी है, एक उस साइड से है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। इस साइड से यहाँ भी लोग अपना बाइक साइकिल पार्क करते हैं, तो वहाँ से एक है, देख सकते हैं ये एक सीढ़ी। और दूसरा मेन उस साइड से है, दूसरा सीढ़ी आप देख सकते हैं यहाँ से है। यहाँ से ये मेन है, सब लोग यही यूज़ करते हैं खासकर यहाँ से ऊपर जाने का। और यहाँ पे है, इस साइड में है लिफ्ट है साइड में। चलिए चलते हैं 3rd फ्लोर पे। सारा फ्लोर एक जैसा ही है, तो सबका एक जैसा ही, मतलब कि जो भी है दिया हुआ सब कुछ एक जैसा ही है। तो आपको 3rd फ्लोर दिखाते हैं। तो ये 3rd फ्लोर आ गया है। तो 3rd फ्लोर चलिए पहले शुरू करते हैं। ये मेरा रूम है 309। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या है रूम में अवेलेबल। बाकी और लोगों का भी रूम आपको दिखाएंगे। तो ये है मेरा रूम। आप वैसे कॉलेज मूव इन वाले में भी देखे होंगे कि क्या क्या था, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक हर स्टूडेंट को एक अलमारी मिला हुआ है, एक बेड मिला हुआ है, एक टेबल, एक चेयर और एक पिलो मिला हुआ है, और ये मैट्रेस ये है। और रूम में देख सकते हैं आप 1-2 जगह बोर्ड है, और एक यहाँ पे कोने में भी इस साइड में अलमारी के पीछे मेरे बोर्ड दिया हुआ है। बाकी ये रस्सी हम लोग अपने से टांगे हैं, और सामान जो है हम ही लोग का है। ये 2 अलमारी, ये 2 बेड वालों के लिए। अभी एक्चुअली इसलिए खाली है, मैंने खाली नहीं करवाया, अभी सब लोग गए हुए हैं अपने घर। कुछ छुट्टी है इस काइंड ऑफ, तो वो लोग सब लोग घर गए हैं। ये क्या कहते हैं, विंडो है, यहाँ से अच्छा व्यू आता है, आप देख सकते हैं पूरा इस साइड में। अभी तो बारिश भी हो रहा है तो काफ़ी अच्छा व्यू है पूरा इधर, एकदम नेचर से पूरा कनेक्ट महसूस होता है। बस हल्का सा दिक्कत होता है जब ट्रेन आता है, मगर अब उस चीज़ की आदत हो चुकी है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है रूम का टूर। 2 पंखा है, तीनों आदमी को इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। 2 ट्यूबलाइट है, अगर हम लोग चाहे तो बल्ब लगा सकते हैं या फिर बोल के लगवा भी सकते हैं। उसके बाद आपको और चलिए एक आधा रूम दिखा देते हैं। तो ये एक मेरे बैचमेट का ही रूम है, तो चलिए देखते हैं। ये भी सेम वैसा ही है, अभी लगभग लोग घर गए हैं तो ये दो बेड भी खाली है, एक उदित अकेले बचा हुआ है हॉस्टल में। तो चलिए एक दो सवाल पूछ लेते हैं उदित से। और उदित मतलब कैसा हॉस्टल तुमको लग रहा है, कि जैसा तुम एक्सपेक्ट किए थे वैसा मज़ा आ रहा है हॉस्टल में? 12 रुपये में कितना बजट लेगा? हाँ, सबसे बड़ी बात हॉस्टल का जो फ़ीस है वो 12 रुपये पर मंथ है, तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है फ़ीस का। मगर फिर भी हॉस्टल का क्वालिटी ये सब अपना जो है एकदम बढ़िया, मज़ा बहुत आएगा भाई। मज़ा लोगों से आता है, हॉस्टल से नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात हॉस्टल की यही है कि जब सब लोग साथ रहते हैं, मज़े करते हैं, तो वो ज़्यादा मज़ेदार रहता है। एडजस्ट तो लोग कहीं भी कर लेते हैं, लोग अच्छे होने चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप उदित का रूम में सेम सब रूम में एक ही फैसिलिटी दिया हुआ है। अब सब लोग अपने अकॉर्डिंगली बेड अरेंज करके रखता है, तो उदित ऐसे कर रखा है, यहाँ पे अपना पढ़ता है, बुक रखे हुए। और बता दें आपको कि हर फ्लोर पे जो है 22 रूम है। फर्स्ट फ्लोर पे कम है क्योंकि वहाँ पे एक डॉर्मेट्री भी बना हुआ है, तो यहाँ पे 22 रूम है। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा अभी तो काफ़ी खाली है क्योंकि सब लोग घर गए हुए हैं। और दोनों साइड में बाथरूम है, तो उस साइड में भी सेम बाथरूम है, और जो सीढ़ी दिखाया था वहाँ से आते हैं तो वहाँ पे बाथरूम पड़ता है। और इस साइड में भी क्या कहते हैं बाथरूम है, तो इस साइड में हम आपको बाथरूम दिखाते हैं। हो सकता है थोड़ा गंदा हो क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल है, बट सब है, जो जितना ज़रूरत पड़ता है उतना तो है। यहाँ पर बेसिन लगा हुआ है 4, एक इधर क्या कहते हैं देख सकते हैं वॉशिंग एंड ड्राइंग रूम है। यहाँ पे कपड़े उपड़े हम लोग धोते हैं, कोई कोई नहा भी लेता है यहाँ पे, जो बाल्टी से नहाता है अक्सर। और इधर यूरिनल है, इधर आप देख सकते हैं यूरिनल है जो टॉयलेट करने के लिए है। और इस साइड में ये जो 1 2 3 4 है वो है नहाने के लिए, तो यहाँ पे लोग नहाते हैं। और इधर जो 4 है वो बाथरूम है जहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। और एक आध चीज़ क्या कहते हैं इस साइड में जो है, दोनों साइड में मतलब इस साइड में नहीं बस दोनों साइड में, इस साइड में जो है यहाँ पे पानी पीने के लिए दिया हुआ है। पता नहीं कौन ये छोड़ गया है यहाँ पे। हाँ, उस साइड में भी सेम टू सेम है। बाकी यहाँ पे फायर वायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, यहाँ पे पानी के लिए भी कि अगर कभी ऐसी आग वाग लग जाए तो। बाकी होगा ऐसा नहीं, लेकिन हो भी सकता है, बॉयज़ हॉस्टल है, लड़के कुछ भी कर सकते हैं। और रही गर्ल्स हॉस्टल की बात, तो गर्ल्स हॉस्टल में भी सेम है यही चीज़, सेम सब कुछ, रूम वूम फैसिलिटी। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ गर्ल्स हॉस्टल का टूर चाहिए आपको, तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। अगर 20-25 भी कमेंट आता है गर्ल्स हॉस्टल का टूर, तो मैं उसका वीडियो बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तो ये था हमारा बॉयज़ हॉस्टल टूर का वीडियो। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।